हेलो दोस्तों नमस्कार, आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 21। पिछली सभी 20 क्लासेस आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसका नाम लिख देता हूं, उसका नाम है वोकैबुलरी न्यू 2024। इस नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से पिछली सभी क्लासेस आप देख सकते हैं, सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, लिंक आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही आशीष क्लासेस एक एप्लीकेशन है, वहां से आप हमारे पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हाल फिलहाल एक पेड कोर्स चल रहा है एसएससी और सीडीएस के लिए। यहां क्लासेस हो चुकी हैं 64, ठीक है। एक नया टॉपिक पैसिव वॉइस स्टार्ट किया है मैंने, और न्यूज़पेपर रीडिंग जो है, बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो मैंने इसमें साथ में लास्ट के 5-10 मिनट स्टार्ट किया हुआ है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग का बेसिक सेशन वो मिल जाएगा इसमें, कुछ 5-7 क्लासेस ही लूंगा हालांकि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग के इसमें, और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, सब कुछ एक साथ। इसके बाद कोई और कोर्स की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। एक आरएएस के विद्यार्थियों के लिए भी आपको एक कोर्स उपलब्ध करवाया गया है, वो तो कंप्लीट कोर्स है, आप जैसे ही बाई करेंगे सारी वीडियोज आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक नोटबुक आप अलग से डाल लीजिए इसकी, जिसमें आप सभी वर्ड्स नोट कर सकें और रेगुलर इंटरवल पर आप इसको रिवाइज भी कर सकें। पहला शब्द है अनवेल, ये पहले तो हम बात कर रहे हैं पिछले वर्ड्स की जो रिवीजन कर रहे हैं। अनवेल है इसकी वर्ड कैटेगरी वर्ब है, इनविजिज है इसकी वर्ड कैटेगरी वर्ब है, टेम भी वर्ब है, पॉइज्ड है वो एडजेक्टिव है, और ओवर आर्चिंग जो दे रखा है ये भी एक एडजेक्टिव है। ये तो इनकी वर्ड कैटेगरी की बात रही। अब देखिएगा, पहला शब्द अनवेल है, इसका मतलब मैंने बताया है आपको, डिस्क्लोज या रिवील या इंट्रोड्यूस, उजागर करना कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। इनविजिज का मतलब होता है फोरसी या इमेजिन, या इसे कहेंगे विजुअलाइज, मतलब पूर्व कल्पना करना। अब ये सभी वर्ड्स मेरे साथ साथ आपको भी याद आने चाहिए, ठीक है। इनविजिज क्या है, पूर्व कल्पना करना, पहले से कोई चीज को देख पाना। टेम का मतलब होता है कंट्रोल या कर्ब, नियंत्रण करना, नियंत्रित करना, कंट्रोल या कर्ब। पॉइज्ड का मतलब होता है रेडी या प्रिपेयर्ड, तैयार को बोलते हैं, रेडी या प्रिपेयर्ड, तैयार। और एक है ओवर आर्चिंग, ओवर आर्चिंग का मतलब होता है एक्सटेंसिव, विस्तृत को बोलते हैं, आप इसे एक्सटेंसिव कह सकते हैं, इसे परवेसिव कह सकते हैं, इसे आप फुल कह सकते हैं या प्लेनरी कह सकते हैं, व्यापक, पूर्ण, इसके लिए ओवर आर्चिंग का यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। अब देखिए, पहला शब्द हम देख रहे हैं ग्रेनुलर, इसका प्रोनंसिएशन क्या है, ग्रेनुलर, GRANULAR, ग्रेनुलर। इसकी वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है, क्योंकि मोर ग्रेनुलर दे रखा है तो ये डिग्री बना रखी है, डिग्री कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रखा है, और डिग्रीज बनती है केवल दो ही चीजों की, या तो एडजेक्टिव की या एडवर्ब की। अब ये ग्रेनुलर जो है वो एनालिसिस के लिए दे रखा है, एनालिसिस नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए इसको मैंने कह दिया कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग स्मॉल डिटेल्स, मतलब जिसमें बारीक चीजें शामिल हो, छोटी छोटी चीजें शामिल हो, जिसमें छोटी छोटी चीजें शामिल हो। ये मतलब है इसका, इंक्लूडिंग स्मॉल डिटेल्स, जिसमें छोटी छोटी चीजें शामिल हो। क्या कहना चाह रहे हैं, द एनालिसिस नीड्स टू बी मोर ग्रेनुलर, जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, उसमें आवश्यकता है कि ये विश्लेषण थोड़ा सा ऐसा हो जिसमें और भी बारीकियां शामिल हो, और भी डिटेल इसमें दी जाए, ये मतलब है। इसका प्रोनंसिएशन है ग्रेनुलर, ग्रेन्यूलर नहीं पढ़ना है, ग्रेनुलर। अगले वर्ड में आइए, अगला वर्ड है अनटेनेबल। आपको बताया हुआ है पहले, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है उसे हम एडजेक्टिव नाम देते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, अनटेनेबल एडजेक्टिव हुआ।
इसकी वर्ड कैटेगरी हमने निकाल ली, अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब होता है वीक, या इसे कहेंगे इनडिफेंसिबल, जो कमजोर हो, जिसकी रक्षा न की जा सके। इसके अलावा जो इलॉजिकल हो, जो अनरीजनेबल हो, ये भी होता है। मान लो आपने कोई तर्क दिया और तर्क में आपके दम ही नहीं है, तो वो तर्क आपने इलॉजिकल दिया है, अनरीजनेबल दिया है, वो वीक है आपका तर्क, इनडिफेंसिबल है, वो उसको डिफेंड नहीं कर पाओगे आप, तो कमजोर कह सकते हो, या जिसको जिसका बचाव न किया जा सके, जिसका बचाव न किया जा सके। ये क्या होता है? अनटेनेबल। क्या कह रहा है? ही क्लेम्ड द चार्जेस अगेंस्ट हिम वर अनटेनेबल। उसने दावा किया, ही की वर्ब क्लेम्ड है, उसने दावा किया कि जो भी आरोप उसके खिलाफ लगाए गए हैं वो अनटेनेबल थे, वो वीक थे। मतलब आप ऐसे आरोप लगा रहे हो जिसका खुद ही आप बचाव नहीं कर पाओगे, ये मतलब होगा इसका। तो वीक, इनडिफेंसिबल, इलॉजिकल, इसको इलॉजिकल नहीं पढ़ना है, इलॉजिकल। दो बार एल आ गया हो भले ही, लेकिन पढ़ना एक बार ही है, इलॉजिकल है ना, और अनरीजनेबल। नेक्स्ट पे आइए, अगला है एलाए। एलाए जो है ये नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि डिटरमिनर के बाद दो शब्द हैं, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक है, आगे तो ओव लग गया, आगे गिनेंगे नहीं हम। तो एलाए का मतलब होता है फ्रेंड, मित्र, सपोर्टर भी कह सकते हो, समर्थक, एसोसिएट भी कह सकते हो, जो बहुत नजदीकी सहयोगी होता है, मित्र या सहयोगी, उसको हम बोलते हैं एलाए। क्या कह रहा है? ही इज अ क्लोज एलाए ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगता है, पता ही आपको। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का जो व्यक्ति उस पोस्ट को अज्यूम करता है, उसका नाम अगर होता है तो उसमें हम द नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वह एक नजदीकी मित्र है, किसका? प्रधानमंत्री का। एलाए का मतलब है फ्रेंड, सपोर्टर या एसोसिएट। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, आपको बताना है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन की वर्ड कैटेगरी भी आप खुद भी एक बार वीडियो को पॉज करके सोचें इस बारे में कि वर्ड कैटेगरी आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। ये नाउन है, क्योंकि डिटरमिनर के बाद एक ही शब्द, आगे प्रेपोजिशन आ गया। तीन शब्द हम लगातार काउंट करते हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। उसके अलावा अगर कोई शब्द हो तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं सीरीज को। तो ये नाउन है। प्री कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्री कंडीशन का मतलब होता है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट, ठीक है, या इसको कहते हैं नेसेसिटी, या इसको कहते हैं रिक्वायरमेंट, मतलब आवश्यकता, पूर्व आवश्यकता। पूर्व आवश्यकता, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजों की जरूरत है, वो है प्री कंडीशन, वो है प्री रिक्विजिट। तो क्या कह रहा है? अ होल्ड टू द फाइटिंग, जो है मतलब लड़ाई को रोक देना जो है, वो एक प्री कंडीशन है, वो एक पूर्व आवश्यकता है। किसके लिए? नेगोशिएशन, विचार विमर्श। क्योंकि विचार विमर्श तभी करेंगे पहले आप लड़ाई को रोकिए, ये इसकी पूर्व आवश्यकता होगी। प्री रिक्विजिट हो गया, नेसेसिटी हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया। नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट वर्ड है इफ यू ड्राइव अ कार ऑल योर लाइफ द ओड्स। इस ओड्स को देखना है। ओड्स की वर्ड कैटेगरी आप समझ गए होंगे, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, या फिर इसे कहिए चांसेज, या फिर इसे कहिए लाइकलीहुड। हिंदी में इसको नाम दीजिए संभावना। क्या कहोगे? संभावना। तो क्या कह रहा है? इफ यू ड्राइव अ कार ऑल योर लाइफ, यदि आप पूरे जीवन अपनी गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, तो द ओड्स आर दैट, तो संभावना ये है कि यू विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम पॉइंट, कि कभी ना कभी तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है, चांसेज है, लाइकलीहुड है। नेक्स्ट पे आइए, आपको बताना है डिफैक्टो। डिफैक्टो, डिफैक्टो की वर्ड कैटेगरी जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है कि स्कूल कमिटी मेंबर्स, ये तो नाउन हो गया, नाउन की विशेषता बता रहा है पहले,
और डिफेक्टो का मतलब होता है रियल, या इसे हम कहते हैं एक्चुअल, या इसे हम कहते हैं इनफैक्ट, मतलब वास्तविक कह सकते हो, वास्तविक। एडवर्ब भी होता है वैसे ही, है ना, इनफैक्ट जनरली हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, बाकी रियल एक्चुअल इसके एग्जैक्ट एडजेक्टिव के रूप में इसके सिनोनिम्स होंगे। तो ही हैज मेड द कैंडिडेट्स फॉर सिटी काउंसिल डिफेक्टो स्कूल कमिटी मेंबर्स। तो उसने क्या किया है, जो सिटी काउंसिल के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको वास्तविक स्कूल कमिटी मेंबर्स बना दिया है, ये मतलब है, ठीक है। तो रियल एक्चुअल या इनफैक्ट ये इसका मतलब है, वास्तविक को हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट पे आइए, रूल आउट। अब रूल आउट आपको दिख ही रहा है कि फ्रेजल वर्ब है। रूल आउट क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। क्या मतलब होता है रूल आउट का, एलिमिनेट कह दो, रिजेक्ट कह दो, दरकिनार करना किसी चीज को, जैसे कई बार क्या होता है कोई चीज को आपने रूल आउट किया है, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको आप ऑप्शन ही नहीं मान रहे हो, उसको आप गिन ही नहीं रहे हो अपने ऑप्शंस में, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, तो रिजेक्ट या एलिमिनेट, दरकिनार करना। तो फर्दर टेस्टिंग, अब जो आगे जो टेस्टिंग हुई है उसने किसी भी इन्फेक्शन को दरकिनार कर दिया, आगे जांच जो हुई है उससे पता लग गया कि भाई इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, संक्रमण नहीं होगा, ये मतलब है इसका रूल आउट का। नेक्स्ट पे आइए, इम्प्रीमेटर। इम्प्रीमेटर इसकी वर्ड कैटेगरी नाउन दिख रहा है आपको, डिटरमिनर के बाद एक शब्द है, सैंक्शन या अप्रूवल होता है इसका मतलब, सैंक्शन या इसे हम कहते हैं अप्रूवल, हिंदी में इसको हम कहते हैं स्वीकृति, क्या कहते हैं, स्वीकृति, सैंक्शन या अप्रूवल। क्या कह रहा है, व्हेन ही सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया और कांग्रेस को भंग कर दिया, तो उसके पास क्या था उस समय, आर्म्ड फोर्सेस, जो सेना थी उसका अप्रूवल उसके पास था, उसकी सैंक्शन उसके पास थी, स्वीकृति उसके पास थी, आर्म्ड फोर्सेस सशस्त्र बल। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड देखिए, अपसर्ज। अपसर्ज भी नाउन है क्योंकि वही डिटरमिनर के बाद एक शब्द है, ग्रोथ या इंक्रीज को बोलते हैं, बढ़ोतरी को बोलते हैं, ग्रोथ इंक्रीज वृद्धि बढ़ोतरी, ग्रोथ या इंक्रीज, है ना, अपसर्ज का मतलब क्या है, ग्रोथ या इंक्रीज, राइज भी कह सकते हो, एक ही बात है वृद्धि। तो क्या कह रहा है, एन अपसर्ज इन वायलेंस या ओ वायलेंस, तो हिंसा में जो बढ़ोतरी है इन द डिस्ट्रिक्ट जिले में, हैज बीन लिंक्ड टू, उसको जोड़ा गया है, लिंक के साथ टू लगता है, ध्यान रखिएगा, जोड़ा गया है किससे, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट से, मतलब काफी ज्यादा बेरोजगारी से, है ना, एम्प्लॉयमेंट कैसा, इंक्रीज जो बढ़ गया है, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट से इसको जोड़ा गया है, तो ग्रोथ इंक्रीज या राइज इसका मतलब होगा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है रीगर। अब रीगर देखो विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है नाउन, और ये इसका एडजेक्टिव है, मॉडिफायर है इसका, तो रीगर की बात करें, ये क्या है, नाउन। इसको सिवियरिटी से कह सकते हो आप, सिवियरिटी होता है, कठोरता बोलते हैं इसको, कठोरता, है ना, हार्शनेस कह सकते हो, सिवियरिटी कह सकते हो, है ना, एक वर्ड और होता है रिजिडिटी भी कहा जा सकता है, कठोरता। तो क्या कह रहा है, दे वर पनिश्ड विद अनयूजुअल रिगर, उन्हें पनिश किया गया असामान्य कठोरता से, मतलब काफी ज्यादा कठोरता बरती गई पनिशमेंट में, ये मतलब है इसका। ये हो गया आज के 10 वर्ड्स, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पहला शब्द है अनवेल, इसका मतलब डिस्क्लोज है, रिवील है, इंट्रोड्यूस है, उजागर करना है, वर्ब था, इनविजिज वर्ब है, फोर सी इमेजिन, है ना, या फोर विजुअलाइज कल्पना करना, टेम वर्ब है, कंट्रोल या कर्ब नियंत्रण करना,
और पॉइज्ड का एडजेक्टिव है रेडी या प्रिपेयर्ड तैयार, ओवर आर्चिंग एक एडजेक्टिव है, परवेसिव होता है या फिर इसे प्लेनरी कहते हैं, फुल कहते हैं, एक्सटेंसिव कहते हैं, विस्तृत को बोलते हैं। पहला शब्द था ग्रेनुलर जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंक्लूडिंग स्मॉल डिटेल, जिसमें स्मॉल डिटेल्स शामिल हो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अनटेनेबल। अनटेनेबल एक एडजेक्टिव है क्योंकि एबल से एंड हो रहा है, इसका मतलब इनडिफेंसिबल है, वीक है या इलॉजिकल है या अनरीजनेबल है, ठीक है। इसके बाद वर्ड था एलाय। एलाय एक नाउन है, इसका मतलब फ्रेंड है, सपोर्टर है, फ्रेंड कह सकते हो, सपोर्टर कह सकते हो और एसोसिएट कह सकते हो, मित्र को बोलते हैं। फिर अगला शब्द आपके पास है प्री कंडीशन, प्री रिक्विजिट इसको कह सकते हो, रिक्वायरमेंट कह सकते हो, नेसेसिटी कह सकते हो, आवश्यकता को बोलते हैं, नाउन है। फिर इसके बाद वर्ड आपके पास है ओट्स, ये नाउन है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड या चांसेस होता है। फिर अगला शब्द आपके पास है क्या था इसमें, डिफेक्टो। डिफेक्टो एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी होता है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव है, इसका मतलब इन सॉरी रियल बोलते हैं, एक्चुअल बोलते हैं, इनफेक्ट बोल सकते हो वास्तव में। और फिर अगला वर्ड था रूल आउट। रूल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है रिजेक्ट करना या फिर एलिमिनेट करना, दरकिनार करना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमने देखा इम्प्रिमेटर, ये नाउन है, अप्रूवल या सेंक्शन को बोलते हैं, है ना, तो ये क्या है, स्वीकृति को बोलते हैं इसको। इसके बाद में अगला शब्द आपके पास था अपसर्ज, ये नाउन है, इसका मतलब बढ़ोतरी है, तो इंक्रीज, ग्रोथ, राइज ये सब होता है। और इसके बाद अगला शब्द था रिगर। रिगर एक नाउन है, सिवियरिटी, रिजिडिटी इसको बोलते हैं, हार्शनेस भी कह सकते हैं, कठोरता इसका हिंदी मतलब होगा। ये था दोस्तों सेशन नंबर 21 में, मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5:30 बजे सेशन नंबर 22 में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।